Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve a heating problem. दोस्तों ज़्यादा समय कैमरा ओपन करने से, गेम खेलते समय, हेवी टास्किंग करते समय या चार्जिंग करते समय फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो ऐसे में अपने फ़ोन को कैसे ठंडा करें, मैं आपको कुछ ऐसा सेटिंग्स बताऊँगा जिनको फॉलो करने के बाद आपके ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों गर्मियों के मौसम में हम अपना फ़ोन को थोड़ी सी भी यूज़ कर लेते हैं तो वो गर्म हो जाता है। गर्मियों के टाइम में सबके साथ ऐसा ही होता है, लेकिन हमारे डिवाइस में कुछ ऐसा सेटिंग्स है जिन्हें अभी के अभी ऑफ करना होगा, नहीं तो आपका फ़ोन फट सकता है। नंबर 1, नेटवर्क यूसेज। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल इंटरनेट और लोकेशन सर्विस को अननेसेसरी ऑन ना रखें। जब आपको इनकी आवश्यकता होगा तब चालू करें और फिर बंद कर दें। दोस्तों इसके बाद प्ले स्टोर में जाइए, यहाँ प्रोफाइल पर क्लिक करें, इसके बाद सेटिंग्स ओपन करें। नेटवर्क प्रेफरेंस में ऑटो अपडेट ऐप बाय डिफॉल्ट वाईफाई सेट रहेगा, यहाँ से चेंज करके डोंट ऑटो अपडेट पर सेट कीजिए। इससे क्या होगा, बैकग्राउंड में कोई भी ऐप ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा और फ़ोन को गर्म नहीं करेगा। इसके बाद फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करें, कनेक्शन में जाइए, मोर कनेक्शन सेटिंग्स में जाइए, फिर यहाँ से नियर बाई डिवाइस स्कैनिंग ऑप्शन को ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ से बैक आइए, इसके बाद नीचे की ओर लोकेशन में जाना है, यहाँ पर लोकेशन सर्विस के अंदर वाईफाई स्कैनिंग एंड ब्लूटूथ स्कैनिंग को ऑफ कर दीजिए। इन सभी सर्विस बैकग्राउंड में स्कैन करते रहते हैं जिससे सीपीयू का पावर यूज़ होता है और फ़ोन गर्म भी होता है। नंबर 2, बैकग्राउंड लिमिट। दोस्तों फ़ोन के बैकग्राउंड में कई सारे एप्लीकेशन अपने आप चलते रहते हैं, इससे बैटरी जल्दी ड्रेन होता है और फ़ोन को गर्म भी करता है। इसे बंद करने के लिए फ़ोन की सेटिंग्स में जाइए, इसके बाद सर्च बार पर फाइंड करें बिल। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद बिल नंबर के ऊपर 7 टाइम क्लिक करना है। कॉन्फर्म पिन में स्क्रीन लॉक का पासवर्ड डाल के कंटिन्यू करें, फिर आपके डिवाइस पर डेवलपर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। अब फिर से सर्च बार पे फाइंड करें बैकग्राउंड। अब नीचे की ओर जाके इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट सबके लिए स्टैंडर्ड सेट रहते हैं, इसका मतलब बैकग्राउंड में कोई भी ऐप उसकी मर्जी से चलते रहेगा और आपका फ़ोन गर्म कर देगा। इस ऑप्शन से चेंज करके एटमोस्ट 2 प्रोसेस सेट कीजिए, मतलब बैकग्राउंड में एक साथ मैक्सिमम 2 एप्लीकेशन ही चल सकते हैं। इसके बाद रिसेंट ऐप लिस्ट ओपन करके जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चल रहा था उसको भी क्लोज कर दीजिए, इससे रैम मेमोरी फ्री हो जाएगा। दिन में जब भी मौका मिले रैम मेमोरी क्लियर करना ना भूलें। दोस्तों इसके अलावा कोई भी फालतू की ऐप इंस्टॉल ना करें, अगर ऐसा कोई ऐप इंस्टॉल किया हुआ है जिसे आप इस्तेमाल नहीं करते हैं उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, इससे आपका इंटरनेट स्टोरेज भी फ्री होगा। नंबर 3, फ़ोन अपडेट। कई बार फ़ोन अपडेट करने से ओवरहीटिंग प्रॉब्लम शुरू होते हैं, क्या आपने हाल ही में अपने फ़ोन को अपडेट किया है मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका फ़ोन अपडेट के बाद हीट हो रहा है तो अगले अपडेट का इंतज़ार करें, हो सकता है कि इस अपडेट में कोई हीटिंग इशू था जो अगले अपडेट में फिक्स हो सकते हैं। नंबर 4, ब्राइटनेस सेटिंग्स। मोबाइल में डिस्प्ले ब्राइटनेस को जितना हो सके कम रखिए, ब्राइटनेस फुल करके अगर आप मोबाइल को लगातार यूज़ करेंगे तो आपका फ़ोन ओवरहीट हो जाएगा। ऊपर से क्विक पैनल ओपन करके ब्राइटनेस को जितना हो सके कम कर दीजिए और यहाँ 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करके एडेप्टिव ब्राइटनेस को ऑफ कर दीजिए। आप चाहे तो डार्क मोड को भी ऑन कर सकते हैं, इससे आपका बैटरी बैकअप बढ़ जाएगा। नंबर 5, रिमूव बैक कवर। भले हम फ़ोन को सेफ रखने के लिए बैक कवर लगाते हैं, लेकिन इसके वजह से भी फ़ोन गर्म होता है। गेम खेलते समय या चार्जिंग करते समय अगर आपका फ़ोन ओवरहीट हो जाए तो बैक कवर को कुछ समय के लिए खोल दीजिए, इससे आपका फ़ोन बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। नंबर 6, फ़ोन चार्जिंग। दोस्तों फ़ोन चार्जिंग करते समय कभी भी गेम प्ले, हेवी टास्किंग या कैमरा ना चलाएं। आजकल फास्ट चार्जिंग की वजह से बैटरी गर्म होता है, ये कॉमन चीज़ है। अगर आप उसी दौरान गेम प्ले कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी सब कुछ बंद करके मोबाइल को चार्ज होने दें, नहीं तो मोबाइल ब्लास्ट हो सकता है। अगर डिवाइस बहुत गर्म हो गया है तो चार्जर से तुरंत डिस्कनेक्ट करके कुछ समय के लिए फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख सकते हैं। नंबर 7, फ़ोन रीसेट। कई बार फ़ोन में टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, इससे भी फ़ोन ओवरहीट हो सकते हैं। आप एक बार अपना फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करके देख सकते हैं, इस फ़ोन को कैसे रीसेट करना है उसका ट्यूटोरियल हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमने कई सारे फ़ोन को रीसेट करके देखा है, फैक्ट्री रीसेट करने के बाद सारे फ़ोन में हीटिंग इशू ठीक हो गया था। नंबर 8, सर्विस सेंटर। दोस्तों अगर सब कुछ ट्राई करने के बाद भी आपका हीटिंग प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो आप अपना फ़ोन लेके सैमसंग के सर्विस सेंटर जा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।